महाविकास आघाड़ी से सिटी की सभी 6 सीटों का पिक्चर अंततः क्लियर हो गया है। केवल दक्षिण नागपुर विधानसभा की सीट पर उम्मीदवार का नाम घोषित होना शेष रह गया था, जिसे कल घोषित किया गया और कांग्रेस के गिरीश पांडव को उम्मीदवारी दी गई। ठाकरे गुट अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और कांग्रेस भी दावा छोड़ने को तैयार नहीं थी। आखिरकार मेरिट आधार पर यूपीटी को अपनी जिद छोड़नी पड़ी और कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची में गिरीश पांडव का नाम अधिकृत तौर पर डिक्लेयर कर दिया। इससे पांडव समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जल्लोष मनाया गया और दिल्ली से लौटते ही विमानतल पर पांडव के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में समर्थक उमड़ पड़े। एयरपोर्ट पर गिरीश पांडव का स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस अवसर पर पांडव ने सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी पार्टी के सिद्धांतों पर दृढ़ रहेंगे और जनता के हित में काम करेंगे। नहीं देखिए, मुझे पूरे अपने हाई कमांड के ऊपर में हमारे नेता, हमारे राहुल जी गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणु गोपाल जी, हमारे महाराष्ट्र के नेता, हमारे नाना भाऊ पटोले, विकास भाऊ ठाकरे, इन पर पूरा विश्वास था। और हमारे चिन्नी थेला जी कि पिछले 5 साल से जो मैं कंटिन्यू यहाँ पर जो काम कर रहा था, उस काम का फल मुझे मिलेगा। और आज कांग्रेस पक्ष ने मुझे टिकट दे के मुझे उस नवाजा है। मैं मेरे पार्टी के और मेरे पार्टी के सभी नेताओं के मेरे तरफ से बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आने वाले समय में मेरे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का जो उत्साह जो आज यहाँ बना हुआ है, वो बरकरार रखते हुए आने वाले दिनों में मेरा विजय सुनिश्चित होने वाला है। ऐसा जनता से मैं ये अपील करूंगा कि आने वाले 20 तारीख को होने वाले मतदान के दिन आपने कांग्रेस पार्टी के हक में मतदान करके परिवर्तन की जरूरत है। आज परिवर्तन की जरूरत है। जिस प्रकार नागपुर का माहौल, महिलाओं के प्रति अत्याचार का जो माहौल बना हुआ है, उसको दूर करने के लिए और नागपुर का विकास करने के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। सवाल ही नहीं आता। ये जो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार हो, देखिए इलेक्शन अपने जगह पर है, रिजल्ट अपने जगह पर है। उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी है अपन लड़ाई जो है जो बैलेट के माध्यम से होगा। आपको बता दें कि ये भी साफ हो गया है कि दक्षिण नागपुर की सीट पर वर्ष 2019 के चुनाव की तरह ही इस बार फिर भाजपा के मोहनमती और पांडव के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। सिटी से पूर्व नागपुर की सीट मविया में शामिल राका शरद पवार पार्टी को गई है, वहीं शेष सभी 5 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। दक्षिण नागपुर के लिए जो है कांग्रेस की ओर से गिरीश पांडव को टिकट उम्मीदवारी दी गई है। उसके बाद पहली बार नागपुर आए, उसके बाद एयरपोर्ट पे हम देख रहे हैं कि जंगी है, जो है जल्लोष यहाँ पे किया गया, उनका स्वागत किया गया कार्यकर्ताओं के द्वारा। ढोल नगाड़े बजाकर उन्हें यहाँ पर जो उनका स्वागत किया गया है, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि कई यहाँ पे जो है कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आए हैं। यहाँ पे उन्हें उनका स्वागत किया गया है। हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मौर्य के साथ पश्चिम मध्य प्रदेश में बीते मूल नागपुर। Glanza, go hatchin', go awesome.